हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया चैनल। आपण माने समस्ते जाणि सारिथिबे जे कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट रो एडवर्टाइजमेंट आसी सारिछि, ता सहित संस्कृत रो सिलेबस मध्य रिलीज होय सारिछि। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आमे चैप्टर वाइज क्लास करिबा, तो तेणु करि सीईआई आपण मानक पई एको कोर्स नै आसेछि जेउथिरे आपण माने जॉइन होय पारिबे एवं क्लास गुडी को मध्य भल भाबरे बुझि पारिबे। तो आज रो जेउ क्लास टि रहिछि ता होछि डेमो क्लास, आगमन विधि एवं निगमन विधि विषय यह आपण माने समस्तंकु जणा थिबो। आगमन विधि जहाँ को इंग्राजी रे इंडक्टिव मेथड कह जाय थाय एवं निगमन विधि हेउछि डिडक्टिव मेथड। यह हेउछि व्याकरण शिक्षण रे हेउछि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षण विधि जहाँ माध्यम दे आमे पिला मानंकु व्याकरण शिक्षादान देइथौ। तो आज आमे कोन कोन आलोचना करबा जोटा कि विस्तृत रूप से देखिबा आगमन विधि एवं निगमन विधि रो कोन अर्थ रही कोन शिक्षण सूत्रम रही सोपान कोन रही क्यों सोपान माध्यम दे आम से विधि माध्यम दे से आम व्याकरण शिक्षादान देवा देन रही गुण कोन रही दोष कोन रही। तो आम आग को बढ़िया पूर्व आउ गोटे कथा जाणि रखिबा जे आगमन विधि एवं निगमन विधि होउछि दुईटी जाक एक संपूर्ण रूप से अलग अर्थात दुईट जाकर समानता एवं तार जो विभिन्नता रही है संपूर्ण रूप से अलग। आगमन विधि कौन ना एग्जाम्पल रु कौन ना रूल को जीवा एवं तार ठीक ओलटा अर्थात रूल रु एग्जाम्पल को जीवा निगमन विधि। तो ये हूँ तार नियम अर्थात उदाहरण रु नियम आड़ को जीवा ये हूँ आगमन विधि एवं नियम रु उदाहरण आड़ को जीवा निगमन विधि। तो प्रथम देखिबा आमे आगमन विधि जहाँ को इंडक्टिव मेथड कह जाए तार कौन अर्थ रही आम जानवा तार अन्य नाम हेउछि आविष्कार पद्धति एवं आरोह पद्धति कहुए। आविष्कार पद्धति कहीं तार अन्य नाम है कहीं जितेबले छात्र सम्मुखें उदाहरण प्रस्तुत करा जाए था सेमाने निचे से ही उदाहरण गुड़ी को निरीक्षण कर विश्लेषण कर सेमाने एक स्वतंत्र रूप से एक सामान्य नियम उपस्थापन होती तो सेमाने एक निजे आविष्कृत करते एक सामान्य नियम को से आविष्कार पद्धति कहुए जो थे पाने आक्टिव पार्टिसिपेट करती विधि मध्यम। तापर रही तार अर्थ हेउछि उदाहरणानी प्रस्तुय तत्व नियम निर्धारण नाम आगमनम अर्थात प्रथम उदाहरण गुड़ी को आम प्रस्तुत करतापर तापर अर्थात उदाहरण गुड़ी को प्रस्तुत कर सारापर नियम को आम निर्धारण करवा आगमनम। तापर हो ठीक से हीपर लक्ष्यम प्रदर्श्य लक्षणम परिकल्पनाम आगमनम लक्ष्यम कहले कौन बुझे ना उदाहरण को। तो ये जो क्लास टोटाल क्लास उदाहरण एवं नियम जोटा कि बारंबार उच्चारण आसो तो ताके ध्यान देवे लक्ष्य हूँ कौन ना आम उदाहरण एवं लक्षण हेर नियम तो से कहुए लक्ष्यम प्रदर्श्य लक्षणम परिकल्पनाम आगमनम। तापर रही आगमन विधि हे शिक्षण सूत्रम अर्थात जो विधि रही आम आगमन विधि तहार संपूर्ण रूप से विशिष्टता को निर्धारित तार शिक्षण सूत्र को निर्धारित कर तो प्रथम रही उदाहरणात् नियम प्रति आम जान लु उदाहरण आम नियम आड़ को जाता देन रही ज्ञानात् अज्ञान प्रति ज्ञानात् अज्ञान प्रति अर्थ हो तो जितेबले आम छात्र सम्मुखें उदाहरण को प्रस्तुत करते जो उदाहरण गुड़ी को जाणी था अर्थात जो निज आखपाखे जो रिलेटेड एग्जाम्पल रही नाम सब ताकूँ जन देन अन्य एक उदाहरण जोड़ा कि जाणी ना एक नियम जोड़ा कि जाणी ना निजे आविष्कार कर एक अज्ञान आड़ को नहीं जाता जोटा कि ज्ञानात् अज्ञान प्रति देन रही विशिष्टात् सामान्य प्रति विशिष्ट ये उदाहरण उदाहरण रो सामान्य नियम हेउछि सामान्य प्रति देन रही प्रत्यक्षात प्रामाण्य प्रति देन रही स्थूलात सूक्ष्म प्रति एवं मूर्ताद अमूर्त प्रति स्थूलात सूक्ष्म प्रति एवं मूर्ताद अमूर्त प्रति ये हेउछि गोटे अर्थ रही जोटा कि आम जहाँ जाणीछू जो रिलेटेड जो उदाहरण ताकूर आम उपस्थापन करवा देन से ही उदाहरण गुड़ी को विश्लेषण कर एक सामान्य नियम अर्थात जोटा कि जो नियम को से जाना तो सेठी से पहुँचे जोटा कि अमूर्त बा सूक्ष्म। तो यह हूँ आगमन विधि शिक्षण सूत्र। तापर रही आगमन विधि
सोपान आगमन विधि रे मन रखिबे चारोटी सोपान हेउछि आगमन विधि एवं ठीक निगमन विधि जतेबेला आमे पढिबा तार मध्य ठीक चारोटी सोपान रहिछि। आगमन विधि रो सोपान हेउछि प्रथमे रहिछि उदाहरण प्रस्ताव प्रथमे आमे समानक सम्मुखरे उदाहरण प्रस्ताव करिबा। द्वितीय रे हेउछि विश्लेषण, तृतीय रे हेउछि नियम निर्धारण, चतुर्थ रे हेउछि परीक्षण। तो संक्षेप रे एठी कहि देउछि एहा हेउछि कोन, तापर आमे डिटेल रे बुझिबा। तो उदाहरण प्रस्ताव हेउछि आमे जानिलु समानक सम्मुखरे आमे किछि उदाहरण प्रस्तावित करिथाउ जहाँकि सेमाने जानिथान्ते सही रिलेटेड रो। देन सही उदाहरण गुड़िक सेमाने विश्लेषण करिथान्ते निजे। देन एक सामान्य नियमरे सेमाने पहुँचिथान्ते। तापरे ताहा सेमानकर केते दूर सेमाने सफल होइ पारिछन्ते कि नाही, जानि पारिछन्ते कि नाही, ताहा आमे जानिबा पई सेमानकु परीक्षण करिथाउ एवं अन्य किछि नुआ उदाहरण देथाउ। तो ये होछि आगमन विधिरो सोपान। एही चारोटी सोपान देई आमे सेमानकु व्याकरण शिक्षादान देथाउ। तापरे देखिबा भलाबरे बुझि पाइ सोपान गुडीकु। प्रथम स्टेप होछि उदाहरण प्रस्ताव। तो उदाहरण प्रस्ताव रे ठी अध्यापक कोन करिवे ना अस्मिन पदे छात्रानां पार्श्वे बहुनी उदाहरणानि अध्यापकै प्रस्तुयन्ते। अध्यापकक द्वारा विभिन्न उदाहरण गुडीकु छात्रमानक सम्मुखरे प्रस्तुत कराजिबो जेपरी प्रत्येकं मधुरी धात्रं सह लाकृतिः। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କାମ ରହିବ, କେବଳ ସେ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ, କେବଳ ଅବଲୋକନ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଏହା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ରହିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ନିରୀକ୍ଷଣ। ତ ଏହି ସୋପାନରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସେମାନେ ଏହି ସୋପାନରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। କିପରି ଭାବରେ ନା ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଧ୍ୟାପକ ସନ୍ଧି ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗମନ ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସେମାନେ ଏଠି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବେ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଅସ୍ମିନ୍ ପ୍ରକରଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତାନି ଉଦାହରଣାନି ବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ନିରୀକ୍ଷନ୍ତେ। ସେମାନେ ଏଠି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ତାପରେ ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଏକମ୍, ମଧୁରୀକୁ ମଧୁଯୁକ୍ତ ଅରି, ଧାତ୍ରଂ ସହରେ ଧାତୃଯୁକ୍ତ ଅଂଶ, ଲାକୃତିରେ ଲୁଯୁକ୍ତ ଆକୃତି। ତ ଠିକ୍ ସେପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରମାନେ ତାହାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଏ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବାବେଳେ ଏବଂ ପରେ ରହିଛି ଅ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରୁ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ପରେ ରହିଛି ଅ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲୁ ଥିବାବେଳେ ପରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେଠି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନିୟମରେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯଦି ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଇଅର ଆଦେଶ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ରହିଛି ଏବଂ ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଭୁଅର ଆଦେଶ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରୁ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଠି ର ହୋଇଯାଉଛି, ଲୁ ଥିଲେ ଲ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏହିପରି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନିୟମରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ କହିପାରିବା। ତ ସାମାନ୍ୟ ନିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଯେଉଁ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ତ ସେମାନେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ କ'ଣ ନା ସାମାନ୍ୟ ନିୟମ ହଉ ଉଦାହରଣାନି ନିରୀକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାୟତେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ତାହାପରେ ଯେଉଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ତାପରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁ ଇ ସ୍ଥାନରେ ଇ ହେବା, ଉ ସ୍ଥାନରେ ଭ ହେବା, ରୁ ସ୍ଥାନରେ ର ହେବା, ଲୁ ସ୍ଥାନରେ ଲ ହେବା। ତ ଏହାକୁ କେଉଁ ସୂତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୁହାଯାଏ ଇକୋ ଜଣଚି ବା ଇକୋ ୟଣଚି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଇକୋହ ସ୍ଥାନେ ୟଣ, ଇକୋହ ସ୍ଥାନେ ୟଣ ହେବାକୁ ଇକୋ ୟଣଚି ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତ ସେମାନେ ଏହି ନିୟମରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରର ନାମ ରହିଛି ତ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ସାମାନ୍ୟ ନିୟମ, ସାମାନ୍ୟ ନିୟମ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ସାମାନ୍ୟ ନିୟମ, ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ, ଏହି ସୋପାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତିନୋଟି ସୋପାନରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଦେନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଛନ୍ଦି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ତାହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଇ ଏବଂ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ, ରୁ ଏବଂ ଲୁ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଆଦେଶ ହେଇଯାଉଛି, ଇ ସ୍ଥାନରେ ଇଅର ଆଦେଶ ହେଇଯାଉଛି, ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଅର ଆଦେଶ ହେଇଯାଉଛି, ରୁ ସ୍ଥାନରେ ରର ଏବଂ ଲୁ ସ୍ଥାନରେ ଲର। ତାପରେ ଏଠି ଅଧ୍ୟାପକ କ'ଣ କରିବେ, ତ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏହି ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ତ
कहिछि अस्मिन् सोपाने स्वरचितस्य नियमस्य परीक्षणम छात्रे विविध प्रयोग द्वारा क्रियन्ते। तो एठि जेउ छात्रमानंक द्वारा निज रचित होइथिबा जेउ सामान्य नियम द्वारा नियम जेउ पहुँचथिले तो छात्रमानंक द्वारा एठि कोन कराइथिला ना एक स्वतंत्र नियम रे सेमाने पहुँचछन्ति। तो एठि अध्यापक विभिन्न प्रयोग द्वारा सेमानंक परीक्षण करेबे जेपरि भाबरे एठि किछि दुइटी उदाहरण मु एठि लेखिछि तो विभिन्न उदाहरण एठि देबे तामान्य जे दुइटी केवल तो एठि बहुत गुड़े उदाहरण सेमानंक सम्मुखरे रखा जिवो तो सेमाने ताहा केते दूर करिपारिबारे सक्षम होइछन्ति कि नाही ताहा जानिबा पई जेपरि सत्ययुक्त अपि सत्यपि साधुयुक्त अस्ति साधुस्ति अर्थात एठि ह्रस्व इ अछि एवं परे अन्य स्वर वर्ण अछि इ भिन्न अन्य स्वर वर्ण एवं ह्रस्व उ अछि पूर्वरे एवं ह्रस्व उ भिन्न अन्य स्वर वर्ण थिले कोन आदेश जाउछि ना इ स्थानरे इयर आदेश जाउछि एवं उ स्थानरे वर आदेश होय जाय इपरि होइछि सत्यपि एवं साधुस्ति तेन कोन रहिछि आगमन विधेह गुणाहा तमे बुझिले तार सोपान गुडिक कोन रहिछि एवं एबे देखिबा आगमन विधिर कोन गुण रहिछि एवं तार कोन दोष रहिछि तापर आमे निगमन विधि विषय रे पढिबा। आगमन विधि हेउछि मन रखिबे व्याकरण क्षेत्र रे आगमन विधि हेउछि सर्वश्रेष्ठ विधि कुहा जायथबा एवं मना जायथाय काहेकि ना ये हेउछि एक मनोवैज्ञानिक विधि मध्य तो एथिरे छात्र माने आक्टिव पार्टिसिपेंट करथांती काहेकि ना सेमाने एक रुचि मध्य प्रदर्शित करथांती निजे किछि आविष्कार करिवारे जेटा कि तार गुण माध्यम रे आमे मध्य बुझिबा। तो प्रथमे गुण कहिछि छात्राहा सूत्राणि सूत्रार्थाने स्वयं जानेयहु छात्र माने सूत्र गुड़िक एवं सूत्रर जो अर्थ रहिछि निजे जानिबार सक्षम होइ परिथांती सूत्र निर्माणं परिभाषा निर्माणं च स्वयं क्रियते निजे मध्य सूत्रर निर्माण करि परिबे परिभाषा निर्माण करि परिबारे मध्य सक्षम होइ परिथांती अतः बहुकाल पर्यन्तं विस्मर्तुं अवकाश नास्ति समाने निजे एठि किछि करि सिखितिबारु समानकर जो स्मृति रहिछि स्मृतिर तहा समाने सामान्य समय पाई नुहे बहु समय पर्यंत से मन रहिबे भूलिबे नाही। तो ताहा द्वारा कौन होता है समानकर आत्मविश्वास मध्य बढ़ी थाए माने अलग किसी उदाहरण को मध्य करिपारिबारे मध्य सक्षम हो पारिथांती छात्र माने एथिरे सक्रिय होइथांती सक्रिय पार्टिसिपेंट करथांती अर्जित ज्ञान समानकर स्थायी होइ रहिथाय छात्राहा अभिरुचि प्रदर्शय हो छात्र माने एथि अभिरुचि प्रदर्शित करिथांती जोटा कि आगमन विधि रो गुण। तापर रहिछि आगमन विधि रो किछि दोष मध्य रहिछि ताहा कोन आमे जानिबा प्रथम होइछि शास्त्रगतानि उदाहरणानि ज्ञातुम अवकाश नास्ति अस्याम। तो एही जे आगमन विधि रहिछि एही विधि रे जो शास्त्रगत जो व्याकरण शास्त्र रहिछि सेथिरे जो उदाहरण गुडीक रहिछि ताहाकु जानिबारे समाने सक्षम होइ नथान्ते समानकु जानिबा पय अवकाश मिलि नथाय काहेकिना समाने जोटा कि कोमलमती होइथान्ते बा जो आमे पढै थौ के स्तर रे आगमन विधि होउछि उच्च प्राथमिक स्तर बा माध्यमिक स्तर पय होउछि एक सर्वोत्कृष्ट किंतु जो उच्च स्तर जो रही यूनिवर्सिटी माध्यम मानक तो ताकि आगमन विधि उपयुक्त विधि हो न था जोटा कि निगमन विधि से उपयुक्त विधि होता है। तो ये कौन कही व्याकरण शिक्षण समय बहु अपेक्षित भवेत सेम यहाँ कौन होता है जो समयर मध्य बहुत उपयोग होता है जोटा कि प्रत्येक चैप्टर को आम यही आगमन विधि मध्यम पढ़ेगा जोटा कि संभवपर हो पार न था कहीं समय स्वल्प मध्य तो यह जोटा कि तार एक दोष मध्य रही। नेक्स्ट कही उच्चतर स्तरेषु अस्य प्रयोग कर्तुम न सकेते उच्चतर स्तर मानक यार प्रयोग करा जाई पारि नथाय देन कही शिक्षणम शिक्षकेण आतिक्येन न क्रियते तो ये शिक्षक द्वारा अधिक शिक्षण करा जाई नथाय तापर होची अन्यत्र विषय अस्य प्रयोग उचित्यम न अनुभूत केवल यह होची आगमन विधि व्याकरण शिक्षण क्षेत्र में प्रयोग होइथाय अन्य जो विषय रही तो से उपयुक्त हो न था तो ये हूँ तार कि दोष किंतु जदि आम कह आगमन विधि और निगमन विधि विषय तो दुईट विधि मध्यम जो जो माध्यमिक स्तर रे हो उच्च माध्यमिक प्राथमिक स्तर रे हो तो सेमानंकु शिक्षण करेबार जो इम्पोर्टाट विधि रोस्ट इम्पोर्टाट हो आगमन विधि। नेक्स्ट देखा आम निगमन विधि जहाँ डिडक्टिव मेथड कह जाए तार अन्य नाम हेउछि सूत्र पद्धति बा लक्षण पद्धति काहेकि सूत्र पद्धति हला काहेकि ना आमे छात्र मानक सम्मुखरे प्रथमे एटी सूत्र उपस्थापन करिथाउ तो सूत्र बा लक्षण मन रखिबे लक्षण हेउछि सूत्र बा नियम लक्ष्य हेउछि उदाहरण तापर हेउछि आरो अर्थ कोन कहिछि लक्षणम अनुलक्ष्य प्रदर्शन नाम निगमन विधि रीति अर्थात प्रथमे एटी कोन आमे करिबा लक्षण लक्षण हेउछि नियम लक्षण को आमे अनुलक्ष्य करि देन
तार जो उदाहरण को प्रदर्शन करवा अच्छे निगमन विधि तो ठीक यार ओलट हूँ कौन ना आगमन विधि तो यार शिक्षण सूत्र रही कौन रही देखा ना सामान्यत विशेषं प्रति देन रही काल्पनिकात सत्यं प्रति तब रही स्थूलात सूक्ष्म प्रति अमूर्तात मूर्तं प्रति लक्षणात लक्ष्यं प्रति प्रमाणात प्रत्यक्षं प्रति आम पूर्व जो शिक्षण सूत्र गुड़िक रही ठीक तार यहाँ ओलट आम पूर्व बुझीचु तो तार ठीक ओलट हूँ निगमन विधि शिक्षण सूत्र ताप रही एमें पढ़ेवा सोपान अनुजाई पढ़ेवा पड़ो तार चारोटी सोपान निगमन विधि रही प्रथम नियम हो प्रथम जो सोपान रही हूँ नियम प्रस्तुत आम से सम्मुख में नियम प्रस्तुत करवा देन आम करवा अर्थात अध्यापक रोल ये अधिक कहार ना टीचर किंतु आगमन विधि कहार रोल अधिक रोला ना छात्र मानक तो से मनोवैज्ञानिक विधि थी आगमन विधि तो नियम ये प्रथम आम प्रस्तुत करवा देन रही स्पष्टीकरण नियम को करवा देन रही प्रयोग प्रदर्शन देन रही पुनः परीक्षण तो यही चारोटी सोपान मध्यम दे आम निगमन विधि मध्यम व्याकरण शिक्षादान करथाउ प्रथम जो रही नियम व प्रथम सोपान रही तो आम ये कौन जानल ना छात्राणाम पुरतः कस्यचित नियमस्य उपस्थापनं क्रियते आम जो टॉपिक पढ़ेवा जाऊँ तो से ही टॉपिक रिलेटेड जहाँ व्याकरण नियम रही प्रथम से सम्मुख में आम नियम प्रस्तुत करवा तो ये मनकर अध्यापक कौन पढ़ेवा जाऊँ ना चतुर्थ विभक्तिर गोटे पार्ट पढ़ेवा जाऊँ नियम पढ़ेवा जाऊँ तो ये से प्रथम छात्र मानुखें नियम टी उपस्थापन कले कौन ना नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग बसट योगा चेती तो ये हूँ एक नियम तो ये हूँ कौन जोटा कि से एक अमूर्त अमूर्त बा जोटा कि सूक्ष्म से मानपर अर्थात से विषय अवगत नुहंती यह विषय से माने अवगत नुहंती यार अर्थ कौन बुझी यह क्यों व्यवहृत हुए बुझी यह से बिल्कुल कठिन तो यह आम सामान्यकृत करने को पड़ो देन रही जो सेकेंड सोपान रही तो यह हूँ स्पष्टीकरण अध्यापक द्वारा जो पूर्व सोपान नियम प्रस्तुत करा से ही नियम टी स्पष्टीकरण कराइबे द्वितीय सोपान अर्थात उक्त नियम से स्पष्टीकरण सरल वाक्य प्रतिपादन एवं भवेत सरल वाक्य जो वाक्य द्वारा छात्र माने भल भाव बुझिपारे तो से हीपरी भाव आम सरल वाक्य मध्यम बुझेबा जपरी भाव तो ये जो सूत्र था तो ये कौन कहला नमः स्वस्ति स्वधा आम ये कौन कल ना विच्छेद करदेलु शब्द को नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग बसट तो यही सब शब्द जोगे चतुर्थी विभक्ति होता है तो यह हूँ स्पष्टीकरण करेंगे अध्यापक तापर सोपान कौन रही प्रयोग प्रदर्शन तो प्रयोग प्रदर्शनम तो ये कौन करेंगे ना किपर भाव से ही जो नियम को नियम थिला ताहा किपर भाव वाक्य यूज होता है प्रयोग करी निजे अध्यापक छात्र मान देखे जपरी भाव हरये नम बा शिक्षकाय नम तो ये नमः शब्द रही नमः शब्द जोगे तो ये कौन हो चतुर्थी विभक्ति हो शिक्षकाय ठीक से हीपरी पुत्राय स्वस्ति स्वस्ति रही तो से चतुर्थी विभक्ति अग्नये स्वाहा स्वाहा शब्द थी अग्नये हो पितृभ्य स्वधा इंद्राय वसट इत्यादि यहपर भाव हो प्रयोग प्रदर्शन जो थे अन्य एग्जांपल मध्य से नहीं छात्र मानुख में प्रदर्शन करें तापर जो शेष सोपान रही पुनः परीक्षण तो आगमन विधि में ठीक से हीपरी शेष सोपान कौन परीक्षण कहीं छात्र मैंने केते दूर ताहा बुझिबार सफल होती कि ना ताहा जानिबापाई आम से मूल्यांकन करवा तो पुनः परीक्षण आम कौन करवा ना छात्र मानू कि उदाहरण दबा जोटा कि से पार्टी कि ना किपर भाव पृथक उदाहरण प्रस्तुत नियमस्य परीक्षण विधियते आम ये कहीपर कि आम आशा करवा कि सेपरी रिलेटेड्र अन्य किसी वाक्य से माने कही पारंतु अर्थात यही शब्द गुड़ी लगे चतुर्थी विभक्ति करी वाक्य से माने कही पारे यह अच्छे परीक्षण जपरी शिवाय नमः शिष्याय स्वस्ति सरस्वती नमः तो यहपर भाव उदाहरण आनी प्रस्तुत छात्रान अपि प्रेरित तो ये अध्यापक कौन करेंगे ना छात्र मानक प्रेरित करेंगे से माने निजे किसी उदाहरण गुड़ी भावी क्लासरूम कहवापाई जो जोटा कि अध्यापक सम्मुखें कहवापाई
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଯେଉଁଟାକି ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ତାର କ'ଣ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ଦୋଷ ରହିଛି। ନିଗମନ ପଦ୍ଧତିଆ ଗୁଣାହା, ନିଗମନ ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣ ହେଉଛି ଅନୟା ପଦ୍ଧତିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟାପିତୁମ୍ ଶକ୍ୟତେ। ତ ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ପାରିବା। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହି ବର୍ଦ୍ଧୟତି ଅତଃ ଛାତ୍ରାହା ନିୟମାନ କଣ୍ଠସ୍ଥଂ କୁର୍ବନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଛାତ୍ରମାନେ ଏଠି ନିୟମକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏସା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧା ତଥାପି ଉଚ୍ଚକୋଟି ବିଦ୍ୟମାନ ବହବହ ବୈୟାକରଣ ଅନୟା ପଦ୍ଧତ୍ୟା ଏବ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧିତ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାତା ଜାତ। ତ ଏଠି ସେ କହୁଛି ଏହି ଯେଉଁ ବିଧି ରହିଛି ଏହା ହେଉଛି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ବିଧିର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ। ତ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବୈୟାକରଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହି ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗମନ ବିଧି ଏବଂ ନିଗମନ ବିଧିର ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଯେଉଁ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ବହି ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ 9th, 10th, 8th ଯେଉଁ ବୁକ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତ ତାହା ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ରହିଛି ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସେଠି କ'ଣ ଦେଇଥିବ ନା ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବ। କାରକ ବିଭକ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବା ସମାସ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ କାରକ ବିଭକ୍ତି କହିବା ତ ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ସେହି ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର ଆସିଥାଏ, ସାମାନ୍ୟ ନିୟମ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଲେବୁଲ୍ର ଯଦି ଆମେ ବୁକ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉ ବା PG ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉ, ତ ସେଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ନିୟମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ସେହି ନିୟମକୁ ସାମାନ୍ୟକୃତ କରାଯାଏ, ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆଗମନ ବିଧି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ବା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ନିଗମନ ବିଧି ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେନ୍ କହିଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଉପକାରାୟ କଳ୍ପତି, ତାହା ଆମେ ବୁଝିଲେ ଅଳ୍ପକାଳୀନ ଏବଂ ଅନେନ ବିଧିନା ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମାନ ଜ୍ଞାନଂ ଭବତି। ତ ଏହି ଅଳ୍ପକାଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ନିଗମନ ବିଧିର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଧି ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଛାତ୍ରମାନେ ଏଠି ଅଧିକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଆବିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ସେଠି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଅଭିରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ନିଜେ କିଛି କରି ଶିଖିବାରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଧି ନୁହଁ। ଦେନ୍ କହିଛି ଛାତ୍ରାହା ସାକ୍ଷାତ ଅନବଗମ୍ୟପି ଦେନ୍ କହିଛି ନିୟମାନ କଣ୍ଠସ୍ଥୀ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରମାନେ ସେଠି ସାକ୍ଷାତ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ବୁଝି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ପିଲା ଥାନ୍ତି, କିଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଳ୍ପରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ବୁଝିଥାନ୍ତି ବା ଡେରିରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଲେଟ୍ରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ, ଯଦି କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିୟମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ନିୟମକୁ ଘୋଷି ଦେଇଥାନ୍ତି ବା କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅବ୍ୟବହାରିକ ବିଧି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଅଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ନୈବ କଳ୍ପତେ, ଦେନ୍ କହିଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଚ ଅଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ନୈବ କଳ୍ପତେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଡବଲ୍ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଛାତ୍ରାହା ଅଭିରୁଚି ନ ପ୍ରଦର୍ଶୟ, ତ ଏହା ଆମେ ବୁଝିଲେ ନିଗମନ ବିଧିର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଛି। ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପଢ଼ିସାରିଲୁ ଆଗମନ ବିଧି ଏବଂ ନିଗମନ ବିଧି। ତ ଆଗମନ ବିଧିର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ନିଗମନ ବିଧି, ନିଗମନ ବିଧିର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଆଗମନ ବିଧି। ଆଗମନ ବିଧି ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ରୁ ରୁଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହେଉଛି ଆଗମନ, ଠିକ୍ ଏହାର ଓଲଟା ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଲ୍ରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯିବା ହେଉଛି ନିଗମନ ବିଧି। ତ ଏହାର ଦୁଇଟି ବିଧି ଯାକର 4 ସୋପାନ ରହିଛି, ଶେଷ ସୋପାନଟି କ'ଣ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତ ଏହା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲୁ। ଯଦି ଆହୁରି କିଛି ବେନିଫିସିଆଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ CIରେ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଡାଉଟ୍ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, PDF ନୋଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ହେଉ ବା ଯେଉଁ PPT ନୋଟ୍ ହେଉ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।